A to Z लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं RRB NTPC से रिलेटेड और ग्रुप डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन GKGS में आपको कवर करने जा रहा हूँ। ये जो बुक मैंने मेरे पास है ये दिख रहा है यूनिक का है और ये इसमें 1131 शीट्स दिया हुआ और काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन दिए हुए जो कि RRB ग्रुप डी और RRB NTPC और जितने भी GKGS जिसमें पूछे जाते हैं जिसे SSC CGL और CHSL सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज एक टॉपिक को कवर किया जाएगा जो कि आपको पूरे विस्तार से आपको ये देखना है। तो चलते हैं वीडियो का स्टार्ट कर। आज का टॉपिक है भारत एक नज़र में। इस तरह से मैं आपको सारा एक एक टॉपिक में पढ़ाता जाऊंगा। तो पहले आज देखते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। RRB NTPC में क्वेश्चन इससे काफ़ी आए हैं और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे और SSC CGL और CHSL में भी क्वेश्चन आएंगे जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चलते हैं। तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से ये किया गया है जितने भी जो भी इन्फॉर्मेशन है। 2021 में नेक्स्ट जनगणना होगी जो कि अभी अपडेट अभी होगी, अभी इन्फॉर्मेशन है। तो अभी जितने भी एग्जामिनेशन अभी होंगे मीनवाइल तो ये क्वेश्चन वहीं से आएंगे। भारत की राजधानी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। ये कब हुई थी क्वेश्चन आती है तो 1912 में बनी थी। कई बार ऑप्शन में आएगा 1911 1910, तो आपको ऑप्शन में लगाना है आपको 1912। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर पर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पॉइंट्स है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्व से है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से है। भारत का अक्षांशीय तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। भारत के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है। पूर्व से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डायरेक्शन इस तरह से पेपर में होता है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा वेस्ट है। तो इस तरह से जो इंडिया का इस तरह से डायग्राम बनती है तो ये आपका है 760 यहाँ पर है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दैट डायरेक्शन, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना आती है तो ये देखेंगे तो आपका ये डिस्टेंस है आपका 2933 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण हम देखेंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक आएगी जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक, तो वो है आपका 3214। ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये आपका कह सकते हैं ये आपका लंबाई है और ये चौड़ाई। तो आप विड्थ लेंगे चौड़ाई और ये लंबाई तो फिर आपको पता चल जाएगा लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। तो आपका ये दोनों ही वैल्यू याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 243 है अभी के जब 2011 में अपडेट हुआ तो उसके हिसाब से। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 204 है। अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 43 है। नेक्स्ट है भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल इसको कहेंगे। उत्तरी में उत्तर में जो आता है जम्मू कश्मीर, जो मैंने आपको डायग्राम अभी बताया इस तरह से आपका है नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका साउथ में उत्तर या सबसे पॉइंट जो आती है ये जम्मू कश्मीर यहाँ पर आती है। तो ये आपका जो इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। और दक्षिणी पॉइंट जो सबसे नीचे में आएगा उसको कहेंगे इंदिरा पॉइंट जो कि आ गया निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट आपको पॉइंट देखना है प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु वही आपका नीचे में आएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। बस ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ये आपका नॉर्थ है साइड, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ठीक है, हम लोग में है नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, इसी तरह से डिवाइड होता है ये ईस्ट और ये वेस्ट साइड है और ये सेवन सिस्टर इस साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए प्रायद्वीप भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज इसे ही बताने की जरूरत नहीं, तिरंगा है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहला कौन सा है आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट से विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना है? 17.5% विश्व में अगर 100 लोग हैं जिसमें से 17.5 लोग इंडिया के हैं तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है जो कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ता है।
नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वंशादित राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका है मध्य प्रदेश, एमपी में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार मरुभूमि, थार मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान में। भारत सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये अभी अपडेट होगा, NH 7, जो कि है 2369 किलोमीटर वाराणसी से कन्याकुमारी। सबसे छोटा राजमार्ग है NH 47 1A। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानेसर, मेघालय। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह, कश्मीर में है। भारत की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य अगर करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाएगा राजस्थान। सबसे छोटा तो गोवा। हिमालय में, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, जिसको कहेंगे कि K2। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर सिक्किम में पड़ता है। ये आपको आंसर आते हैं, कई बार क्वेश्चन आती है कंचनजंगा कहाँ पर है, तो सिक्किम में। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, काराकोरम K2 ऊँचा आएगा, तो काराकोरम K2 आएगा। और सबसे ऊँची चोटी हिमालय में, तो आपका आएगा कंचनजंगा, इसमें है K2 गॉड, जिसको कहेंगे गॉडविन हस्टिन। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य धरातल की समुद्री सीमा लंबाई कितनी है, समुद्री सीमा लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई कितना है, तो 7516 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है। भारत की सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा शहर वाला राज्य कहाँ पर है, तो आपका गोवा, कहाँ पर पड़ेगा, गोवा, जो सबसे लास्ट में हमारे देश में सबसे लास्ट में, वो उसको जो स्वतंत्रता मिली है। आप बता सकते हैं कब और किस के द्वारा ये स्वतंत्रता मिली है, हिंट में दे देता हूँ, पुर्तगालियों के थ्रू ये हिंट मिला था, आपको दे देता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताया कि ये सबसे लास्ट में ये राज्य जो कब हुई थी, ये स्वतंत्र हुई थी गोवा। सर्वाधिक लंबी तटीय राज्य गुजरात है, सबसे ज़्यादा तटीय यानी कि जो समुद्र तट से जुड़ा हुआ है वो गुजरात है। एक चीज़ और गोवा के बारे में बताते हैं, जो सबसे पहले गोवा ही जो राज्य थी, जो कि पुर्तगाल के थ्रू हुए शासित किया गया था, जहाँ पर शासन किया गया था, उसके बाद सबसे लास्ट में यही छोड़ा गया था। आप उसका टाइम बता सकते हैं कौन से ईयर में हुआ था। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सा है, कर्क रेखा है, जो कि 8 राज्य से गुजरते हैं, गमछा मार करके आती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा उसका विस्तार में। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में कितना डिफरेंस है, भारत हमारा 5.5 घंटे ज़्यादा है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला है जम्मू कश्मीर में, जो लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है कौन सा है, थाडवल, ये मणिपुर में पड़ता है, इसको कहते हैं थाडवल। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होती है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और निश्चित सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई आपका जो है 3 है और चौड़ाई है 2। तो कई बार क्वेश्चन उलट करके आई है, ग्रुप डी में भी और NTPC में चौड़ाई और लंबाई का पूछा है, तो उसमें आपका चेंज हो जाएगा, आपका 2:3 हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। लंबाई आपका ज़्यादा है, 3 है, और ये आपका 5-2 है। नेक्स्ट पॉइंट आप जाते हैं, भारत का राष्ट्र राज्य चिन्ह सिंह शीर्ष लिया है, कहाँ से लिया गया है, सिंह शीर्ष, जो सिंह का सिंहासन है, जो कि यहाँ का सिंह आपको देखेंगे, अशोक चक्र आती है तो उसमें सबसे पहले आ गया सिंह का जो दिखता है, वो कहाँ से लिया गया है, तो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है राष्ट्र जनगणमन किसके द्वारा गाया गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंकिम वंदे मातरम जो कि है वंकिम चटर्जी के द्वारा गाया गया है। इससे मेरे रिलेटेड क्वेश्चन है, जनगणमन है जो कि कितने सेकेंड में गाई जाती है, तो आप बता सकते हैं 52 सेकंड। एक क्वेश्चन आती है राष्ट्रीय, ये गान हो गया हमारा, राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम कितने सेकंड में गाई जाती है, तो है 65 सेकंड्स। ओके, ये आपको कंफर्म हो गए, इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका
भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वाक्य है हमारा सत्यमेव जयते, सत्य के हमेशा जय हो। राष्ट्रीय कवि कौन है? भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद वृक्ष है। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और राष्ट्रीय पंचांग है सकसंबत। राष्ट्रीय पशु है बाघ, पैंथर, टाइगर्स जिसको कहते हैं। बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश है वो है, संघ शासित प्रदेश में आगे नहीं जो कि यूनियन टेरिटरीज है, यूटी है, अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह सबसे बड़ा है, सबसे छोटा आप बता सकते हैं कमेंट में। सबसे छोटा है संसाधित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। भारत की जलवायु क्या है? मानसून। भारत में सर्वाधिक महिला कार्यरत कहाँ पर है? तो चाय उद्योग में है सबसे है, जो कि असम में आती है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह क्या? विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसाधित आपको हो गया। भारत की जलवायु भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है, मानसूनी। सर्वाधिक महिला कार्यरत है चाय उद्योग में। सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो उस समय जो थी 121.5 करोड़, यानी कि 1,21,05,00,000 के आसपास थी। अभी तो 1,30,00,000 से ज़्यादा हो गई, 1,30,00,000 से ज़्यादा हो गई, इतनी जनसंख्या है। ओके, नेक्स्ट है भारत में लिंगानुपात क्या है? यानी कि लिंगानुपात है अभी 2011 के अनुसार 4943, यानी 1000 टोटल में 943 महिलाएं हैं, तो ये महिलाओं की संख्या इतनी कम है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे ज़्यादा घनत्व जिसमें है, डेंसिटी ज़्यादा है वो है ये बिहार में, यानी कि बिहार में डेंसिटी आपको देखा जाएगा पर एरिया क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा लोग हैं। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश AP। सबसे भारत में जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पर एक किलोमीटर पर 382 लोग हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक साक्षर यानी एजुकेटेड वाला राज्य है वो केरल है 94%। बिहार सबसे कम है, बिहार में 61.8%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित है तो लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय। सबसे कम जनसंख्या वाला छादी है हरियाणा में। सबसे कम वन है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अभी मैंने बताया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप 91.8% है। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली, कितना है 76.2%। हिमालय को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला देश कौन सा है? AP से 3 देश लगते हैं, चीन, भूटान और म्यांमार। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला देश है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर आपने अभी तक कमेंट की और आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जल्द ही आपको मैं आपको विस्तार से पूरे ये बुक खत्म करने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल घंटी को दबा लेंगे ताकि उनको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भारत की मुद्रा क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी अगर कहा जाएगा तो गंगा, ठीक है। सबसे अधिक खनिज उत्पादन किसमें होता है? खनिज उत्पादन सबसे ज़्यादा मिनरल होता है वो आपका झारखंड में। ये बता सकते हैं कब कमेंट बॉक्स में कि बिहार से ये कब पृथक हुआ था, यानी अलग हुआ था, विभाजित हुआ था। नेक्स्ट है भारत में राज्यों एवं तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? अभी ये चेंज हो गई है तो इसको आप भूल जाइए, 28 है अभी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, आप बता सकते हैं कमेंट में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। तो एट द एंड मैंने ये पूरा एक पेज मैंने बताया, लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा, 100 पॉइंट से ज़्यादा बताया। पिछले 25 साल से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं RRB NTPC और ग्रुप डी और जितने भी रेलवे के होते हैं सारे इसमें क्वेश्चन कवर किए जाएंगे।
साथ में महत्वपूर्ण जो आपके महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्व हैं जो कि 200 इतने सेट्स रहेंगे, और यूनिक का सामान्य ज्ञान रहेगा 68, और पिछले साल जितने भी 16 और 18 में हुए हैं ये इसके सारे कवर किए जाएंगे। मॉडल टेस्ट है 288, टोटल मिलाकर 1131 सेट्स सारे में क्वेश्चन इसमें कवर करूँगा। तो आपको ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू बीइंग ए टू जेड लाइव क्लासेस, हैव अ नाइस डे।